विजय स्वरूप विजयादशमी का पर्व समस्त ग्रामवासी द्वारा बुराई के प्रतीक 31 फीट का रावण के पुतले का निर्माण किया गया। शाम 7 बजे राम मंदिर से ढोल धमाकों के साथ राम लक्ष्मण व हनुमान के वेश पर घोड़ा बग्घी पर सवार नगर के प्रमुख मार्गों से जय श्री राम के नारे लगाते हुए दशहरा मैदान पहुंचे। साथ ही यहां पर रंगारंग आतिशबाजी के द्वारा रावण के पुतले का राम जी ने तीर मार कर दहन किया। इसके पश्चात नगरवासियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी तो किसी ने चरण छूकर बधाई दी। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन अशोक सिंह देवड़ा उप सरपंच दिनेश यादव समस्त ग्रामवासी का पूरा सहयोग रहा। हमारे युवा साथियों के प्रयास से ग्राम धामलांदू में भव्य रावण का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। इसमें सभी नगर और नगरवासियों सर्व समिति ग्राम धावला उर्दू के तत्वधान में ग्राम धावला उर्दू में लगातार मतलब कम से कम 25 से 30 वर्ष हो गए जब से रावण दहन का कार्य चलता आ रहा है, जिसमें सर्व समिति मतलब हमारे गांव की जो भी समितियां हैं, नए युवा मंडल हैं, सभी के सहयोग से प्रयास से गांव के पूरे सहयोग के साथ हम हर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये भव्य रावण 35 फीट का रावण ग्राम धावला उर्दू में जो कि प्रतिवर्ष हम युवा जो टीम है वो पूरे उसके प्रयास से और उमंग के साथ इसको निर्माण करते हैं और विजयदशमी का इस पावन पर्व को हम मनाते हैं। श्री राम मंदिर से चालू होती है ये यात्रा और पूरे राम मंदिर से हुए प्रारंभ होकर दशहरा मैदान तक आती है। इसके बाद आरती का प्रोग्राम है जो कि रावण दहन के बाद आरती का प्रोग्राम किया जाता है और उसके बाद फिर सभी अपने अपने निवास पर अपने अपने माता पिता अपने अपने भगवान सभी का मिलना जुलना उनका अभिवादन करते हैं पूरे वर्ष के लिए विजयदशमी के पावन पर्व पर सत्य की असत्य पर सत्य की विजय।